क्या मामला है। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर फौती में जाऊँगा, फिर जो है दो चार दिन में रहूँगा, खैरात होगी, कुल्फनी होगी, उसके बाद खा के आऊँगा, तो वो तो नहीं आया जी। तो वो मुझे पहले ही ऑलरेडी बता के गए थे। भैया अभी चलते हैं तो देखते हैं सब्ज़ी कौन सी है, तो सब्ज़ी लाया हुआ है तो वहाँ पे जाते हैं, जो भी सब्ज़ी लेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पे जाते हैं तो खाला मेरी कह रही है आप जाओ तो उसको खड़ाओ, मैं आ रही हूँ, तो वो भी लेनी है, मैं भी लेऊँगा। तभी जा रहे हैं कौन सी सब्ज़ी लेनी है, तो जैसे लेऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया जी, अभी जा रहे हैं, देखते हैं आया हुआ है या नहीं आया हुआ। भाई यहाँ पर जो आए हैं तो आप सब्ज़ी ले रहे हैं, तो सब्ज़ी लेंगे उसताजी चाचू जो है दे रहा है, तो फिर ये देगा तो फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे। ये दे रहा है कितने हो गए, ये ले जी बस, ये जी सब्जी ले लिया अभी जाए। भैया अभी जो है सब्जी ले लिया है, ये देखिए आलू लिया है, मसाला भी लिया है, अभी लेके जा रहे हैं कर जाते हैं, फिर इसको रखता है, फिर शाम को बनाना है, फिर आपके साथ शेयर करता है। ठीक हो गया जी, करना है। क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे बैठे हो और कोई काम नहीं है? नहीं अभी करके आया है, अभी करके आया। अभी करके आए हो घर, अपने घर का? अच्छा चलो ठीक है, काम तो करना पड़ेगा। अभी भी बीबी सोने बीबी बीबी जो है नहीं बोलती, तो मेरान बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, नहीं। अच्छा और ठीक असलम प्यार बहन भाई, क्या हाल है तेरा? ठीक है, मैं ठीक है। साथ जाने को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चेक करो, वीडियो को बेल करना, तुम्हारे वीडियो शेयर करते हैं। हेलो हेलो हेलो, इधर देखो भैया, अभी ये जा रहे हैं और भैया सुल्तान की दुकान पे, तो वहाँ पे जाते हैं तो इसको हकीकत देते हैं। हकीकत तो बुखार तो नहीं है, तो वहाँ पे जाते हैं तो भैया चेक करवाते हैं, तो भैया चेक कराएंगे, तो ज़ुकाम और खांसी है, तो उसको बोलूँगा खांसी है और ज़ुकाम भी है, तो बुखार तो नहीं है, बुखार तो कल टीका लगाया था, तो बुखार तो है ठीक, तो मनला ज़ुकाम है, तो ये पेटवियाँ चेक करवाता हूँ, तो जो टीका लगाएगा जो गोली देगा जो भी देगा वकी का दूँगा, तो फिर ना फिर आएंगे, फिर इंशाल्लाह जो बोलेगा फिर दवाई देगी, जब टीका लाएगा तो फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी जब वहाँ पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं नज़ला भी है, दुकान भी है, तो बुखार नहीं है, इसलिए पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बेहतरीन बेहतरीन। तुम सुनाओ अपनी तबीयत का? भाई नज़ला है, दुकान है, खांसी है। हाँ जी। अच्छा दवाई लेनी है अभी? हाँ जी दवाई लेनी है। चलो ठीक है, बैठो मैं दवाई देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। भैया डॉक्टर जी चेक किया था, तो फिर एक इंजेक्शन लगाया, टीका भी लगाया था, एक टीका लगाया, तो ये बोतल भी ली है खंग वाली, खांसी वाली, और गोलियाँ भी हैं ये देखें। तो अभी लेके जा रहे हैं तो घर जाते हैं, तो फिर इनको रखते हैं, अभी टीका लगा के आया हूँ तो देर करके ना फिर सीरा पियेंगे और गोली भी खाएंगे। ठीक हो गया जी, आपके साथ शेयर करेंगे। भैया तो आपने दवा करनी है मेरे लिए, तो बुखार तो नहीं है, खांसी और नज़ला है, तो आपने दुआ करनी है मेरे लिए, मैं फिर फाट हो जाऊँ, पर बुखार तो नहीं है, पर जुकाम और नज़ला है बस। ठीक है जी।
अभी ये चलते हैं देखते हैं क्या बना रहे हैं। वो सुबह में ले आया था ना दोपहर को सब्जियाँ लाया था, देखते हैं सब्जी दिखाते हैं। ये आलू काट दिए थे तो अभी धनिया भी रहता है और यहाँ पे प्याज और मिर्च सारी मिर्चें भी काट दी है, ये भी काट रहे हैं तो इसको काटेंगे फिर बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत शेफियत? शुक्र है अल्लाह का ठीक है। क्या हाल है? अपनी सुनाए, आप बीमार हो गए थे? बस बुखार तो नहीं है, बस जुकाम और अजला था, अब ये दवाई लेके आया हूँ। टीका भी लगाया है एक, तो एक सिरप दी है और गोला भी दी है। अल्लाह पाक खैर करे आपको। बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है आपके लिए कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, न्यू रेसिपी बना रही है? हाँ, आलू गाजर बना रही हूँ। फिलहाल आप क्या देखने आए हो? ये तोतों के लिए मिर्ची। क्या? तोतों के लिए मिर्ची। यहाँ पर दो मिर्ची हैं सिर्फ, अंदर शापर में रखी हुई है। अंदर में उठा लो। तो चाचू कहाँ गया? वो गांव को काम गया है, बाहर आ जाता है। अच्छा, चलो आ जाता है फिर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद है अल्लाह पाक से नेक औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक से शिफा दे। तो अभी जो है शाम का टाइम है, हमारी शाम की रूटीन हो गया शुरू। तो जैसा कि आपने देखा है हमारी सुबह की वीडियो, हम गए थे वहीं फौजकी पर, फौजकी से होकर अभी जो है हम घर पहुंचे हैं। तो घर में एक और था परेशानी का आलम बना हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है ये, अब मैं कुछ नहीं आपको बता सकती। तो जब वक्त आएगा बताने का तो फिर बताऊंगी, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इतना मेरे बहन भाई समझ लें कि जो भी हमारे घर में परेशानी की बात बनी हुई है वो बनी है अकरम भाई के लिए, तो उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। तो जो भी मेरी बात सुनना चाहे तो वो अकरम भाई के चैनल पे चला जाए, उसको सब सच समझ आ जाएगा। तो ये परेशानी बनी हुई है, तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे तो कुछ बस में नहीं था, तो जो अल्लाह का मंजूर था वही हो गया है। तो आपका जो है बहुत साथ चाहिए, आपकी तमन से हम ये वैटी पर आए हैं, काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे भी हमारे घर में मामलात होते हैं, जो खुशी गमी दुख दर्द तकलीफें जो भी होती है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। हमारा तो दिल करता है, हमारे जो बहन भाई हैं, वैटी फैमिली है हमारी, माँ बाप बहन भाई सब लोग यहीं पर हैं, दुख सुख जो हमारे होते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। आगे आपकी मर्जी, जैसा रिस्पांस दें ना दें, हमें तो हम तो अपना समझते हैं ना, अपनी जो भी परेशानी होती है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई हमारे साथ बहुत तवन करेंगे, हमें हौसला अफजाई देंगे, और जो हो गया सो हो गया, वो तो कुछ मिट भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ी परेशानी वाली बात है, परेशानी तो होती है, बिल्कुल होती है। जो मेरे जैसी माएँ होती हैं, जो बच्चों वाली होते हैं, जो घर में जिसके इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, उसको पता होता है तकलीफ़ कितनी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ फ़ायदेमंद भी होती है, तकलीफ़ नुकसानदेह भी होती है, ये आप लोगों ने फैसला करना है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की। चीर खा रहा है, ये देखें चीर खा ली। हाँ, हटो लो, चीर खा ली है बेबी। बेबी ना सुना हो, खड़के सुना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आप सुनिए नात है, सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, ये आलू भी आ चुके हैं, ये सारा लाल मिर्च नमक और घी और पानी और मसाला और पतीले चम्मच
यहाँ पे जो है गैस जला जा रहा है, चलाएंगे इसको तो फिर पतीला ऊपर रखेंगे, फिर धोएंगे, ऊपर रखेंगे, फिर पानी सूखेगा, फिर डालेंगे घी। अभी जाइए देखिए पतीला जल चुका चढ़ चुका है ऊपर, तो अभी जो है पानी सूखेगा, फिर डालेंगे घी, तो आपको दिखाई आ रहे हैं घी। ये देखिए घी भी डाल दिया है, तो ये टिकेगा, फिर डालेंगे मसाला। ये देखिए डाल रहे हैं मसाला, ये देखिए मसाला भी डाल चुका है। अभी ये इसको मिक्स करते हैं, लाल मिर्च, लाल मिर्च ऐड हो रही है। ये देखिए ये भी डाल दिया है, अभी जो इसको मिक्स करते हैं। डाल रहे हैं नमक, नमक ऐड हो रहा है। ये देखिए नमक भी डाल दिया है, अभी इसको करना है मिक्स। ये देखिए मिक्स हो रही है, आ रहे हैं हल्दी, हल्दी ऐड हो रही है। यहाँ पे जो है हल्दी ऐड हो चुकी है, अभी जो है इसको मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आपको दिखाते रहेंगे। अदरक कुटी जा रही है, तो ये देखेंगे अभी यहाँ पे जो है मसाला बन रहा है। आ रहे हैं ये भी डाल दिया है, अभी जो है इसको मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे डाल रहे हैं गरम मसाला, ये भी डाल दिया है। अभी जो है इसको करते हैं मिक्स, तो फिर डालेंगे फिर आलू। अभी जो है आलू डाल चुके हैं, अभी ये डाल रहे हैं पानी लास्ट के लिए, ये भी पानी डाल दिया है। अब इसको जो है रख देंगे, हम देख के तब ये देखेंगे फिर बन जाएगी, तो फिर सब्ज़ी धनिया भी डालेंगे। तो अभी जो है ये देखें, ये जो है दे चुका है ऊपर, जो है आटा लोया जा रहा है, आटा लोएंगे तो फिर इसको ना फिर बर्तनों में पाएंगे, बर्तनों में पा शा के फिर रोटी लगाने जाना है। अभी तो देर है काफ़ी, 6 बजे जाता हूँ, फिर ऐसा 7 बजे वापसी आ जाता हूँ। तो ये 6 बजे स्टार्ट हो रहा है चूल्हा, अभी जो आटा लो रहे हैं, इसको लोएंगे तो फिर आपको पत्तों में पा के आपको दिखाएंगे। आटा लो चुका है, तो अभी जो है बर्तन में डाल रहे हैं आटा, तभी इसको जो है इसको उठाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है डालते हैं। ये देखेंगे अभी यहाँ पे जो है ऐसे जी। तो प्यारे बहन भाई, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो हमारी सुबह को जो है रूटीन वो आएगा शुरू। तो आज जो है जुमा मुबारक है, तो तमाम बहन भाई को, बहन भाई देखने वाले जो भी जहाँ भी रहते हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारक। तो अभी जो है ये बर्तन धुल के आ चुके हैं, मैंने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करके ले आई, और ये चाय का प्रोग्राम है। इस बाल्टी में दूध पड़ा है, उसमें पानी है, ये चीनी और पत्ती, ये आ गया है हमारा पतीला, चूल्हा जो है ये भी साफ हो गया। और सुबह सुबह का आपको दिखाएं ये नज़ारा, ये देखें सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज भी नहीं आया, तो धुंध सी छाई हुई है। सुबह सुबह के वक्त ना बहुत ही ठंड होती है, और धुंध सा जो छाया हुआ होता है, और इस्लामुद्दीन भी आ रहे हैं। इस्लामुद्दीन क्या कर रहे हो? स्कूल की तैयारी हो रही है, माशाल्लाह। चलो जल्दी से ना रेडी हो जाओ, आपकी मम्मा तो अभी आटा गूंद रही है ना। बख्तावर भी आ गया, बख्तावर आप क्या कर रही हो? चलो जल्दी करो, स्कूल की तैयारी करनी है फिर, ठीक है। 6 बजे का चूल्हा चढ़ाया है, चूल्हे के ऊपर पतीला चढ़ाया है, तो अभी 7 बज चुके हैं,
अभी तक जो है हमारी चाय नहीं बनी क्योंकि ये सिलेंडर जो है ये हो गया ख़त्म, गैस अभी ख़त्म हो गया है। ये देखें चाय भी हमारी नहीं बनी, तो अभी तो लेट दुकानें जो हैं वो लेट खुलती हैं, तकरीबन 8-9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, फिर सिलेंडर भरवा के सब कल जो थे ना सब बंद थे, तो सिलेंडर हमारा नहीं भरा था। अभी जो है गैस हो गया ख़त्म, आपका भाई जो है वो भरवा कर ले आएगा तो फिर बनाएंगे खाना, ठीक है। आप किसके साथ खा रही हो? दूध के साथ। दूध के साथ चाय अभी नहीं रेडी हुई, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नूर मोहम्मद चलो रेडी हो जाओ, लेट हो रही है, अभी नींद आई है आपको? अभी नींद आ रही है, रात नहीं सोए थे फिर भी नींद आ रही है। चलो मेहरान जो है अभी रेडी हो रहा है। कौन प्यार बन रहा है, कैसे उम्मीद करके अच्छा खेल रहा है, हंस याद रहा खुश आबाद रहा, आज से मुस्कुराता रहा फुला की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का है, निकलते हैं लोग स्टार्ट, देखते हैं अम्मी चाय बना रही है कि नहीं। ढोलू कहाँ खेल रहे हो? अल्लाह पा रहे हो? ये क्या बनी हुई है कुरिया? चलो खेलो देखते हैं। वो इस्लामुद्दीन और नूर मोहम्मद और बख्तावर क्या खाना खा के जाएंगे जा लेके जाएंगे, बना रही हूँ उनके लिए, वो खा कर जाएंगे, चाय और पापा खा कर जाएंगे और रोटी साथ लेकर जाएंगे। जो अगला जुम्मा था और फिर ब्रेक थे हुई थी और खाना खाया था और छुट्टी हो गई थी, बख्तावर का खाना है। कभी लेट होती है और कभी जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए खाना साथ लेकर। चल ठीक है दू बिस्किट खाना है, ये खाना है, हैदर लगाता है बिस्किट। जी बच्चों रेडी हो गए? हाँ जी। स्कूल जाना है? हाँ जी। बाय बोल दो। बाय। चलो आपके साथ कौन जा रहा है? पापा। अच्छा चलो ख्याल से जाना, ठीक है। अपने अपने रास्ते पर जाना है, दूसरे जैनब अपना कमीज सीधा कर लो, पीछे से ना अपना कमीज सीधा कर दो। आपने पैसे उठाए थे पेंसिल के भी? चलो जाओ लेट, चलो जाओ। बच्चे जो हैं अभी जा रहे हैं स्कूल, और मैडम जी क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये अकरम भाई वाला क्या मामला है आप बता रहे हैं? हाँ ये सही है, मैंने देखा है अकरम भाई तो निकाह करके आ गए थे कल तकरीबन 4-5 बजे। मतलब फौत की पे गया है, फौत के बाद उसकी प्रोग्राम बन गया, अभी निकाह तो पहले से होगा, ले आया है कल, ले कर आया कल। पता नहीं अबू वही रुक गए था ना, अच्छा पता नहीं उसके ना होने से ये फायदा उठाया है या क्या मामला है। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर फौती में जाऊंगा फिर जो है 2-4 दिन में रहूंगा, खैरात होगी, कुल्फनी होगी, उसके बाद खा के आऊंगा, तो वो तो नहीं आया जी।
तो वो मुझे पहले आधे ही बता के गए थे जब जा रहे हैं, तो मैंने रवाना भी उनको किया था, व्लॉग में बताया था चाचू फोत हो गए हैं। उसके बाद ये खुद के बावजूद ही इसने भंडार मार दिया है। मैंने तो देखा है ना, आप सो रहे थे, मैंने देखा है जब लेकर आए। चलो देखते हैं क्या हिसाब किताब है, आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि आप, मैं तो कल करने काफ़ी तबीयत खराब थी, आवाज़ भी थोड़ी चेंज है, जुकाम बुखार, रात को भी बुखार हो गया था मुझे। तो मज़ीद देखते हैं उसके बारे में ये कब तक जो है ये करता है। ये तो मतलब है कि हर बंदे को बरगला रहा है, मतलब जिस तरह उसने किया था कि दूसरा भाई भी इस तरह करेगा, तीसरा भी इस तरह करेगा जी। तो ये तो नहीं होने देंगे ना, तो बात तो चलेगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी, ऐसे काम चुपी चुप तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब उठना है तो हाँ मज़ीद उठाएँगे। लेकिन आज जो काम नेक्स्ट वीडियो में जो काम है उसके लिए बुलाया है मैंने, वो काम फिर करते हैं, वो तो सरप्राइज़ देना है उसको। ओके हो गया जी, देखते हैं अब करम खान कैसे शादी करते हैं, देख लेते हैं। कार भी लिया तो उसको ख़त्म करना भी जानते हैं जी।